हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा। मेरा नाम है मनीषा। क्या आपके बेबी की भी स्किन जो है टाइम टू टाइम डार्क होती जा रही है? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मैं भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है विंटर का टाइम है, बेबी सनलाइट में जाते हैं। अब टाइम के साथ बड़े होने के साथ साथ बेबी भी बाहर जो है उनकी आउटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डस्ट पॉल्यूशन सनलाइट सब जो है उनकी सॉफ्ट डेलिकेट स्किन पे जो है बहुत असर करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्किन है डल होनी शुरू हो जाती है। सो आज की वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बेबी की स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाएं, उसकी जो डल और डार्क स्किन हो रही है उसमें ग्लो कैसे लाएं, उसको ब्राइट और लाइट कैसे करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मैंने इस पे कुछ भी नहीं लगाया है सिवाय मॉइस्चराइजर के। और जो चीजें मैं अपने बेबी की स्किन पे यूज करती हूँ, मैं इस उम्र में अपने स्किन पे भी वो चीजें जरूर यूज करती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि वो अगर चीजें मेरे पे भी असर कर रही हैं और मेरे बेबी पे भी असर कर रही हैं, तो इट मीन्स किसी भी एज ग्रुप का पर्सन वो चीजों को यूज कर सकता है। और ये घर की ही जो है चीजें हैं, जिससे जो है आपकी स्किन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली मोस्ट इफेक्टिव चीज जो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में आपको बता देती हूँ, सो वो है कच्चा दूध जो है अपनी स्किन पे अप्लाई करना। आप किसी भी उम्र के हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने छोटे से बेबी को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर उसको दूध से किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो आप डेफिनेटली वो यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, इसको जो है इसमें जो है कॉटन को मैं डिप करते हुए सिर्फ इस तरह से अपने फेस पे लगा के जो है छोड़ देती हूँ, पूरे फेस पे अच्छी तरह से। जब ये थोड़ी इसको सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े टाइम में ही ये सूख जाएगा। जैसे ही ये सूख जाए उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा दूध लेके फिर से इसको अप्लाई कर देना है। तीन चार बार जो है आप अपने चेहरे पे इस तरह से कच्चे दूध को अपने या अपने बेबी के फेस पे अगर आप ट्राई करना चाहते हो उस पर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कच्चे दूध को जो है अपने और अपने बेबी के फेस पे लगा के कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे ही सूख जाए रीअप्लाई कर ले, तीन चार बार इस तरह से करें। उसके बाद जो है आप इसको पानी के साथ सिंपली वॉश कर सकते हैं जैसे ही दूध सूख जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, बस लगाते लगाते ही ये सूख जाता है। कुछ मिनट के लिए रखना है और फिर इसको धो देना है। इस चीज को आप किसी भी उम्र के बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं, बड़े लोग भी ट्राई कर सकते हैं और किसी भी टाइम ट्राई कर सकते हैं, दिन में रात में शाम में जैसे भी। अब अगर विंटर का टाइम है तो दूध को हल्का सा गुनगुना कर ले, उबालना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गर्म करना ताकि आपको जब लगाए तो आपको ठंडा ठंडा फील ना हो। और अगर समर का टाइम है तो आप इसको जैसे मर्जी लगा सकते हैं, गर्म करने की भी हल्का गुनगुना करने की मीन्स जरूरत नहीं है। अब बारी आती है सेकंड चीज की। सेकंड चीज आप सब काफी लोग पूछते हैं कि बेबी की मसाज किस ऑयल से करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑयल है। तो यहाँ पे अगर बेबी की स्किन डार्क हो रही है तो उसको लाइट करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑयल है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं कौन सा यूज कर रही हूँ और कौन सा वो इफेक्टिव भी है मेरे बेबी पे। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये ऑलिव ऑयल। आप किसी भी कंपनी का ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने आप देख सकते हैं ये वाला यूज कर रही हूँ फिलहाल। सो ऑलिव ऑयल क्या करता है, जो हमें टैनिंग हो जाती है सनलाइट में जाने की वजह से, हमारे बेबीज को जो है बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं हमारे बेबी, उनको जो टैनिंग हो जाती है, उनकी स्किन जो डार्क होनी शुरू हो जाती है, इवन डल होनी शुरू हो जाती है, उनकी उसपे जो है ये ऑयल ऑलिव ऑयल बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने जो है फेस पे अगर इसको लगाना है, अगर तो फुल बॉडी की मसाज कर रहे हैं तो पूरी फुल बॉडी जो है लाइट होनी शुरू हो जाएगी, उसका कम्प्लेक्शन जो है जो नेचुरल बेबी की स्किन कलर है वैसा आना शुरू हो जाएगा अगर बेबी डार्क हो गया। बट अगर आपको फेस पे यूज करना है तो आपको कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा तेल को फेस पे यूज कर लेते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। आपने जो इसके फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं, कुछ ड्रॉप्स लेके इसको सर्कुलर मोशन में जो है आपने अपने बेबी के चेहरे पे अप्लाई करना है हर तरफ, सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स, और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद बेबी को नहला दे। इसके अलावा जैसे मैंने फर्स्ट आपको स्टेप बताया था कच्चा दूध जो रॉ मिल्क यूज करना है, आपने उसमें भी आप हो सके अगर आपको लगे तो आप एक आधी ड्रॉप जो है उसमें भी ऑलिव ऑयल की डाल के बेबी की स्किन पे यूज कर सकती है। अब बारी है थर्ड चीज की,
थर्ड चीज बहुत ही कॉमन है हर फैमिली में, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उन सभी की फैमिली में ये चीज यूज होनी शुरू हो जाती है, वो है बेसन। इनफैक्ट जब हम भी छोटे थे बचपन में हमारी दादी नानी ने भी ये नुस्खे बताए थे, तब भी मैं जो है बेसन वगैरह बहुत यूज करती थी, बट टाइम बीतने के बाद हम बिजी हो गए अपने लाइफ में और ये चीज यूज करना हमने छोड़ दिया। तो बेसन जो है आप सिंपली बेसन को भी कच्चे दूध में डाल के उसका पैक बना के अपने बेबी पे के फेस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है बेबी को जो टैन हुआ होगा या बेबी की स्किन जो डार्क हो रही होगी वो जो है लाइट होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अपने बेबी के लिए बेसन में क्या चीजें डाल के उसकी स्किन पे यूज करी हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं लूंगी सबसे पहले एक चम्मच बेसन और उसमें डालूंगी थोड़ा सा कच्चा दूध। अब पैक को मैं ऐसा बनाऊंगी ताकि वो ज्यादा पतला या ज्यादा मोटा ना बने। मैं डालूंगी मैं थोड़ी सी चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद, दैट्स इट। आप चाहे तो सिर्फ बेसन और कच्चा दूध भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अभी तो आजकल विंटर का टाइम है तो दूध और बेसन ठीक रहेगा, बट अगर समर का टाइम है तो आप बेसन के साथ सिर्फ दही भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं इस पैक की, ये ऐसा पैक है जो बेबी के फेस पे इजीली लग जाएगा, ज़्यादा टपकेगा भी नहीं और ना ही ज़्यादा सख्त बना है ये। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि बेबी का फेस जो है ज्यादा मत सूखने दे बेसन की वजह से, क्योंकि जब आप उसको रगड़ के उतारेंगे तो बेबी इरिटेट होगा। जैसे ही फेस पैक जो उसके आपने बेसन यूज किया होगा उसके बेबी के फेस पे, अगर वो थोड़ा थोड़ा गीला है तभी उतार दे, तब भी बेबी पे वो जो है पैक असर कर जाएगा। मीन्स हार्डली जो है बेबी के फेस पे 5 या 7 मिनट ही वो उस पैक को रखे। इसे आप एक दिन छोड़ के अपने बेबी के फेस पे लगा सकती हैं, मीन्स हफ्ते में 3 बार भी लगाएंगी तो भी ठीक है, और अगर डेली भी यूज करना चाहे तब भी ठीक है। अब बारी है फोर्थ चीज की। फोर्थ चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपने बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करते रहना टाइम टू टाइम। सो अगर आप चाहें तो दिन में बेबी की 2 से 3 बार स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से जो भी आप यूज करें। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, फिलहाल मैं इस टाइम जो है जॉनसन बेबी की जो है ये मिल्क और राइस वाली जो है यूज कर रही हूँ क्रीम। सो फिलहाल ये वाली क्रीम जो है मैं अपने बेबी पे यूज कर रही हूँ, जिसमें जो है मिल्क और राइस का कॉम्बिनेशन है जो कि एक हेल्थी और एक नरिश्ड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है आप अपने बेबी के फेस को दिन में 2 या 3 बार वॉश करें, उसके बाद जो है कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज करते हैं उसको अपने बेबी के फेस पे अप्लाई करें। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं सोप की जगह जो है बेबी के लिए कुछ और यूज कर रही हूँ, क्योंकि सोप से जो है बेबी की स्किन जो है हार्श हो जाती है, बट अभी जो मैं प्रोडक्ट बेबी के फेस पे और फुल बॉडी पे यूज कर रही हूँ उसकी वजह से उसकी स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ रहती है। फिलहाल जो है मैं अपने बेबी के लिए ये जॉनसन का बेबी टॉप टू टो बाथ यूज कर रही हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में है जिसकी वजह से बेबी की स्किन जो है हार्श नहीं होती, ज्यादा ड्राई नहीं होती। अब क्योंकि विंटर का टाइम है तो सोप जो है बेबी की स्किन को थोड़ा हार्ड रफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है ये प्रोडक्ट सोप के कंपेरिजन ज्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल जो है मैं ये दोनों चीजें अपने बेबी के फेस पे 2 या 3 बार दिन में ट्राई अप्लाई कर देती हूँ। इसके अलावा अगर विंटर का टाइम है, आपको बेबी का फेस बार बार धोने में दिक्कत होती है क्योंकि उसको ठंड लग सकती है, तो आप क्या करें कि सिर्फ कॉटन लें और उस पर जो है रोज वाटर अप्लाई करके बेबी की स्किन को वाइप कर दे, इस तरह से साफ कर दे, जितनी भी डस्ट होगी बेबी की स्किन पे वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाएगा फेस उसका, और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार देखा गया कि बेबी की स्किन तो ठीक ठाक है बट उसकी स्किन में वैसा ग्लो नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है या पिंकिशनेस नहीं है। सो कई बेबीज की जो यहाँ पे जो है नेचुरली उनके नेचुरली यहाँ पे पिंक पिंक होता है। सो अगर आपको आपके बेबी की स्किन लाइट के साथ साथ ग्लोइंग और ब्राइट भी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करें, आजकल विंटर का सीजन है, जो चुकंदर जो है काफी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होंगे, सो आपको जो है चुकंदर का कुछ पीस लेके आपके बेबी के फेस पे जस्ट थोड़े ही सेकंड के लिए इस तरह से रब करना है।
या फिर चुकंदर का थोड़ा सा जूस निकाल के उसको कॉटन में डिप करके अपने बेबी के फेस पे लगाना है, और जैसे ही वो सूख जाए तो आप कॉटन से ही बेबी का फेस साफ कर दे, कॉटन को वाटर में डिप करके, या फिर बेबी का फेस वॉश करवा दे। सो इससे जो है अगर आप टाइमली इसको अगर आप धीरे धीरे यूज करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बेबी की स्किन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। बेबी की स्किन ग्लो करने के साथ साथ उसकी स्किन में एक नेचुरल जो है एक पिंकिश सा टच आना शुरू हो जाएगा। अब चुकंदर जो है आप अपने फेस पे नेचुरल ब्लश लाने के लिए भी खुद के फेस पे भी ट्राई कर सकती हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है बहुत ही कॉमन है, वो मेन चीजें हैं कि आपके बेबी के बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन है उनका बाहर निकलना। सेकंड, बेबी का ब्लड जो है बिल्कुल साफ होना, जिसकी वजह से उसका फेस, उसकी स्किन जो है ग्लो करे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो बेबी को अच्छी मात्रा में जो है पानी पिलाएं। इससे होगा क्या कि अगर बेबी अच्छी मात्रा में पानी पीता रहेगा तो जितने भी उसकी बॉडी में टॉक्सिन होंगे वो टाइम टू टाइम या तो पसीने के राही या फिर वॉशरूम के राही बाहर निकलते रहेंगे। इसके अलावा आप अपने बेबी की डाइट में कुछ जूस ऐड करें, जैसे कि चुकंदर का जूस, अनार का जूस, टोमेटो सूप ऐड कर सकती हैं, और गाजर का जूस, अंगूर, इस तरह की चीजें आप अपने बेबी की डाइट में शामिल करें तो इंटरनली भी बेबी की स्किन जो है साफ होती रहेगी। सब नेक्स्ट चीज आती है कि बेबी जब भी सनलाइट में जाए तो उसको जो है सनलाइट बहुत जल्दी इफेक्ट कर देती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। उसकी स्किन बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट होती है जो कि जल्दी जो है सन रेज की वजह से डैमेज होनी शुरू हो जाती है। सो आप कोशिश करें जब भी आप अपने बेबी को बाहर लेके जाएं, कवर तो करके ही जाएं, बट अगर बेबी बड़ा हो गया और उसको आप कवर नहीं कर सकती बार बार तो सनलाइट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन जरूर यूज करें। अभी मेरा बेबी जो है यश 1 ईयर का हो गया, इससे पहले मैंने उसको बिल्कुल भी सनस्क्रीन नहीं यूज किया था। अब क्योंकि 1 ईयर का हो गया तो अब मैं उसको सनस्क्रीन यूज उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। सो ये सब मैंने वो चीजें आपको बताई जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जिनका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता रहा है और जो मैं आज तक अपने बेबी के फेस पे और बॉडी पे अप्लाई कर रही हूँ। इनफैक्ट वो सभी चीजें मैं खुद पे भी अप्लाई करती थी जब अनमैरिड थी या जब यश नहीं था, तो मुझे पता था उन चीजों का रिजल्ट क्या आता है, तो इसीलिए मैंने ये चीजें अपने बेबी पे भी स्टार्टिंग से यूज करनी शुरू कर दी। सो फिलहाल जो है हम दोनों ही अपनी स्किन केयर इसी तरह से करते हैं और आप देख सकते हैं मेरी स्किन से आपको पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट मिलता रहा है मुझे। सो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने बेबी की स्किन को लाइट करने के लिए क्या यूज कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि अगर आप मैम आपका कलर फेयर है तो आपके बेबी का भी फेयर होगा। सो यहाँ पे मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेबी जब पैदा हुआ उसका रंग बिल्कुल साफ था, बट टाइम के बाद जो है उसकी स्किन डार्क होनी शुरू हो गई जैसे ही वो बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कांटेक्ट बढ़ना शुरू हुआ। सो हमें जो है उसकी जो नेचुरल स्किन टोन है, उसका जो नेचुरल स्किन है वो हमें मेंटेन करनी है। अभी जो है मैं जो चीजें अपने बेबी पे अप्लाई कर रही हूँ वो जो है उसकी स्किन को लाइट, ब्राइट और हेल्थी बनाने के लिए कर रही हूँ, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। अगर मैं उसकी स्किन केयर नहीं करती तो उसकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, बेजान होनी शुरू हो जाती है और डार्क होनी शुरू हो जाती है, और जिस दिन मैं उसकी केयर करना शुरू कर दूं, जिस वीक उसकी केयर करना शुरू कर दूं, उसकी स्किन जो है ग्लो करनी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे यही बात आती है कि अगर हम अपने बेबी के स्किन की बॉडी की अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो उसका जो नेचुरल स्किन टोन है हम वो भी खो देंगे। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं अगर ऐसी और वीडियो भी देखना चाहते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले दिखे।